भाई साहब ये सब रास्तों को ना कभी भी रात को आना नहीं चाहिए ये सब रास्ता, क्योंकि बहुत डेंजर है ये सब वाला रास्ता। भाई साहब रास्ता में कुत्ता मिला था, वो सीधा काटने के लिए आ रहा था। कोई ना डर के आगे जीते, फिर भी रात को नहीं आना है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज फिलहाल के लिए मैं टिकर किले से घर जा रहा है। घर जाने का प्लान तो था कल ही, लेकिन कल आते आते बहुत रात हो गया है और मैं जिस जगह पे गया था उस जगह का व्लॉग इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, क्योंकि टिकर किला आते ही मैं सीधा निकल गया था बोंगाईगांव के लिए। तो जब मैं बोंगाईगांव जा रहा था तब मेरा फ़ोन में इतना ज़्यादा चार्ज नहीं था, तो इसी कारण ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाया। बस वो टायर स्लिप कर रहा है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा है घर। घर जाते वो एक और व्लॉग बना रहे। आई होप कि आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, टर्न लेफ्ट करेगा, टेंशन मत लो। तो गाइस मिलते हैं अभी, जाते हो व्लॉग शूट कर रहे। बस आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और वेदर तो, वेदर को देखते हुए लग रहा है कि आज बारिश होगा। जा भाई जा जा, अभी थोड़ा बहुत रास्ता अच्छा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी जाने का कोशिश कर लेता हूँ। रास्ते में अगर बारिश मिल गया तो प्रॉब्लम होगा। इधर जो गाड़ी चलाता है ना लोग, भाई साहब डर लगता है यार। भाई साहब ये सब रास्तों को ना कभी भी रात को आना नहीं चाहिए ये सब रास्ता, क्योंकि बहुत डेंजर है ये सब वाला रास्ता। एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है ये सब, तो आजकल बहुत ही इधर चल रहा है कि मैं तो बोल रहा है कि रात को ये वाला रास्ता से मत ही आओ कोई भी। हाँ दिन में भी डर लगता है ये वाला रास्ता अकेला जाने में, बहुत डेंजर है। तो फिलहाल के लिए कोई ना डर के आगे जीत है, फिर भी रात को नहीं आना है। फिर रात को आने से डर के आगे बहुत ही दिखेगा। फिलहाल के लिए गाड़ी तो बहुत है, दिन में ट्रक वगैरह सब चलता रहता है, कहीं रुकना पड़ेगा मेरे को, बहुत ही पानी प्यास लगा है, पानी वानी पीना पड़ेगा। मैं भी घर से बोतल पानी लेके आने से हो जाता था, कोई ना दुकान से ले लेगा पानी। और पता नहीं मैं गूगल मैप क्यों खोल दिया है, मेरे को तो रास्ता इधर का वाला रास्ता पता ही है, अभी घर ही जा रहा है, फिर भी मैं गूगल मैप ऑन करके रख दिया है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, अगर कहीं गलत रास्ता चला गया तो। ओ भाई गलत रास्ता तो है ही नहीं, इधर तो जाएगा कहाँ, एक ही रास्ता है। जोन सा भी रास्ता लेके जाए इधर से पहुँचेगा तो घर ही। हाँ ए वो बात अलग है कि अगर सिंगमरी वाला रास्ता से बाई चांस चला गया तो वो वाला रास्ता बहुत ही हालत ख़राब है, तो मुझे लेना है सलसला वाला रास्ता। और आई डोंट नो कि मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा मास्क लगा के बात कर रहा है वो वाला फुल मास्क मेरा। आई डोंट नो कि आवाज़ कैसा आ रहा है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ओ बस क्या कर रहा है। बच्चे को देखा, डोन लगता है वो, ये एरिया का डोन है, डोन। मन तो कर रहा था कि टिकर किला में रुक जाओ और दो तीन दिन अच्छे से घूमो फिरो, लेकिन नहीं हो सकता है, इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास घूमने फिरने का। ओनली ऑन संडे को ही मिलता है टाइम। इधर पे ट्रकों का लाइन लगा हुआ है, दुकान तो है इधर लेकिन रुकने जैसे जगह नहीं है। साला अच्छे से जगह में रुक के जहाँ पे खाली वाली हो,
छोड़ो यार, आगे मिलेगा। भाई साहब रास्ता में एक कुत्ता मिला था, वो सीधा काटने के लिए आ रहा था कि उस टाइम में मेरा कैमरा ऑफ था, ऑन नहीं था। अगर ऑन होता तो आप लोगों को जरूर दिखाता मैं। चलो के पूरा कुत्ता काटने के लिए पूरा भाग रहा था सामने से, क्या ही बोले मैन। तो ना कि कौन सा एरिया है, कुछ तो एरिया है ये भी। गूगल मैप में क्या लिखा रहा है, सोरकपारा या क्या नाम है पता नहीं जगह का नाम। आई एम रियली सॉरी अगर जगह का नाम मिस्टेक है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि ये वाला एरिया में आता ही नहीं है हम लोग। आज फिर वही वाला ऑफ रोड स्ट्रगल करना पड़ेगा जो आते वक्त किया था। ये वाला ऑफ रोड नहीं, इधर से तो अच्छा है, फिर भी उधर तो इतना ख़राब है ना, इतना ख़राब कि क्या ही बोले। आया है तो एक बार चंदन भाई से मिल के जाता हूँ। तो भाई चंदन भाई को आने दो, रुकते थोड़ा बहुत। और आने का वीडियो कुछ हुआ ही नहीं, शायद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को टिकर कला का ब्लॉग मज़ा आया। अगर मज़ा आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।